वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग सेट नंबर 18 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले 17 सेट तक डिस्कशन किया जा चुका है। अगर आप लोग उस सेट को नहीं देखें तो आप लोग उस सेट को जाके देख लीजिए, और जिसका बेसिक कमजोर है वो बेसिक का वीडियो जाके देख लीजिए। सारे वीडियोज का लिंक जो है प्ले लिस्ट में डाला हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्मेटिंग ऑप्शन वुड बी चूजन फॉर बोल्ड फॉर्मेट। बोल्ड फॉर्मेट के लिए ऑफ अ सेल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। बोल्ड फॉर्मेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, बी का जो बटन होता है उस पर क्लिक करेंगे, यानी कि बोल्ड फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की रिटर्निंग टू द बिगनिंग ऑफ एन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड का शुरुआत में हम लोगों को पहुंचना है, तो इसके लिए हम लोग किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। हम लोग करेंगे कंट्रोल प्लस होम का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन अ वेब ब्राउजर सर्च इज मेड फॉर फ्रूट्स एप्पल्स इट्स विल डिस्प्ले। ये क्या दिखाएगा, ये ऑल फ्रूट्स एक्सेप्ट एप्पल को दिखाएगा। यहाँ पे यहाँ जो हाइफन लगा दिया जिसके चलते ये सिर्फ फ्रूट्स को ही दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू क्विकली इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट। आप क्विकली न्यू वर्कशीट को इंसर्ट करना है इन एमएस एक्सेल 2016, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक द प्लस साइन एट द लेफ्ट बॉटम नियर द एग्जिस्टिंग सीट। यहाँ नीचे एक सीट रहता है, वहां पे प्लस पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट क्विकली आप लोग क्या कर सकते हैं, एक सीट को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पावर पॉइंट टू मूव टू टेक्स्ट द नेक्स्ट स्लाइड इन रीडिंग व्यू। जब आप रीडिंग करते हैं व्यू को तभी नेक्स्ट स्लाइड में जाना है। यू यूज टू शॉर्टकट की, तभी आप लोग कौन सा शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो हम लोग वहां पे एन प्रेस करेंगे सिंपली, तो वहां पे हम लोग नेक्स्ट पे चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू प्रिपेयर एन एम एस एक्सेल स्प्रेडशीट एज अ डाटा सोर्स फॉर मेल मर्ज, मेक श्योर दैट डाटा एंट्रीज विथ परसेंटेज, डाटा एंट्री को परसेंटेज में हो, करेंसी एंड पोस्टल कोड्स आर करेक्टिकली इन द स्प्रेडशीट सो दैट वर्ड कैन प्रॉपरली रीड देयर वैल्यूज। मतलब डाटा मेल मर्ज में हम लोगों को ऐसा डाटा एंट्रीज करना जो परसेंटेज में हो, करेंसी हो, पोस्टल कोड्स हो, ये सारे स्प्रेडशीट में हो और ये प्रॉपरली रीड करने लायक हो। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे अलाइंड का, ये करेंगे अलाइंड का। नेक्स्ट करते हैं, एनी फाइल दैट इज डिलीटेड फ्रॉम द हार्ड डिस्क ऑन द कंप्यूटर ऑफ द कंप्यूटर इज मूव्ड टू ए स्प्रेड फोल्डर कॉल्ड। मतलब हार्ड डिस्क की कोई भी फाइल अगर डिलीट करते हैं तो वो कहाँ पे मूव हो जाता है, वो भी कहाँ चला जाता है, तो वो चला जाता है रिसाइकिल बिन में। यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है रिसाइकिल बिन की मेमोरी क्षमता कितनी होती है, तो वहाँ पे आपका आंसर होगा कुल हार्ड डिस्क की 10%। हार्ड डिस्क यानी अगर आपका 500 GB का है तो उसकी रिसाइकिल बिन की जो क्षमता होगी 500 का 10% यानी कि 50 GB। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फाइल एक्सप्लोरर इन विंडोज 10 इज यूज फॉर ईमेलिंग, जिपिंग एंड प्रिंटिंग फाइल एज वेल एज बर्निंग देम टू अ डिस्क शेयरिंग देम ऑन द लोकल नेटवर्क। तो इसे हम लोग करते हैं शेयर टैब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एन खाली जगह कन्वर्ट इंस्ट्रक्शंस टू मशीन कोड। मतलब क्या है जो कन्वर्ट करता है इंस्ट्रक्शन कोड को मशीन कोड में, तो ये करता है कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फील्ड नेम्स दैट आर लिंक्ड टू द डाटा सोर्स। मतलब कौन सा फाइल का लिंक्ड होगा जो डाटा सोर्स में इन मेल मर्ज डॉक्यूमेंट कॉल, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग डाटा फील्ड्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। बोल रहा है इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। यहाँ पे वेब ब्राउजर ये क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईआरपी का फुल फॉर्म है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ईआरपी सॉफ्टवेयर कैन बी कैटेगराइज्ड, ईआरपी सॉफ्टवेयर को किस कैटेगरी में रखा गया है ये पूछा गया है। ये रखा गया आप लोगों को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। एंटीवायरस भी जो हम लोगों का है ये भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आता है। जनरली सॉफ्टवेयर को बांटा गया दो भाग में, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लेकिन सहायक के तौर पे कुछ सॉफ्टवेयर है जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। जैसे एंटीवायरस हो गया वो भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, जैसे ईआरपी ये भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। इस चीज का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू एड अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स टू एन एक्सेल वर्कशीट। एक्सेल वर्कशीट में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का लगाते हैं,
ऐड करते हैं, तो इसी के बारे में, फ्रॉम द खाली जगह, इसे हम लोग किस टैब से लगाते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है, तो हम लोग इसको लगाते हैं इंसर्ट टैब से। तो देखिए इंसर्ट हमारा एक नंबर ऑप्शन और चार नंबर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद हम लोग जाते हैं इलस्ट्रेशन ग्रुप में, तो इलस्ट्रेशन ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं, स्मार्ट आर्ट लगाते हैं। तो इलस्ट्रेशन ग्रुप में स्मार्ट आर्ट, देखिए एक में स्मार्ट आर्ट भी है, चार में भी स्मार्ट आर्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द इन द चूज स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स डायलॉग बॉक्स, क्लिक द टाइप एंड लेआउट दैट यू वांट, आप जो चाहते हैं सिलेक्ट का, तब उसके बाद हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे ये बोला जा रहा, तब हम लोग सिलेक्ट करते हैं कैटेगरीज। इसमें देखिए कैटेगरीज चार में नहीं है, तो कैटेगरी कितने में, एक नंबर वाले में है ये, तो अमराला यहाँ पे देख लीजिए आंसर जो है एक नंबर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। ऑफर स्मार्ट आर्ट कनेक्ट विजुअली डिस्क्राइब सच एज लिस्ट प्रोसेस रिलेशनशिप, तो यानी कि हमारा यहाँ आंसर एक नंबर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू मेक द कॉन्टेंट्स ऑफ ऑल द सेल्स इन कॉलम बी, कॉलम बी जो है उसके सारे सेल्स ऑफ द वर्कशीट बोल्ड, आप उसे बोल्ड करना चाहते हैं तो यू विल, तो आप क्या करेंगे उस समय। सबसे पहले तो आप सिलेक्ट करेंगे कॉलम बी को, उसके बाद यूज द बी बटन, बी यानी कि बोल्ड बटन पे क्लिक करेंगे और सारा फॉर्मेटिंग टूल बार के अंतर्गत आता है, ये बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ये सारा फॉर्मेटिंग टूल बार के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फाइल टाइप कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, फाइल टाइप किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये हम लोगों का जो रिप्रेजेंट होगा फाइल टाइप, आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि जितने भी क्वेश्चन होते हैं आप देखते होगा सब में फाइल सेव करते हैं, तो उसका लास्ट में बाय डिफॉल्ट जो नाम लेता है उसी से हम लोग फाइल को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट है डॉट डॉक एक्स होता है, एक्सल है एक्स एल एस एक्स होता है, वर्ड पैड डॉट आर डी एफ होता है, नोट पैड डॉट टी एक्स टी होता है, ये सब क्या है, ये सब फाइल एक्सटेंशन के उदाहरण है और इसी से हम लोग का फाइल आइडेंटिफाई भी होता है, इसलिए देखिए ए फाइल टाइप कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फाइल एक्सटेंशन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शॉर्टकट फॉर ओपनिंग द प्रिंट डायलॉग बॉक्स, किस शॉर्टकट की के द्वारा हम लोग प्रिंट के डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं, तो हम लोग करते हैं कंट्रोल पी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैराग्राफ्स इन एन एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, दो पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग, और दो लाइन के बीच रहेगा तो वह आंसर हो जाता है लाइन स्पेसिंग, लेकिन हमको क्वेश्चन में देखिए पूछा गया बिटवीन टू पैराग्राफ, तो इसलिए आंसर हो गया पैराग्राफ स्पेसिंग, अगर पूछता दो लाइन के बीच में तो आंसर हो जाता लाइन स्पेसिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देर आर थ्री डॉक्यूमेंट्स दैट आर इन्वॉल्व इन मेल मर्ज, जनरली जो होते हैं इसमें तीन डॉक्यूमेंट होते हैं मेल मर्ज में इन्वॉल्व, तो उसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन है, मेल मर्ज प्रोसेस द खाली जगह द डाटा सोर्सेज, देखिए डाटा सोर्सेज जो यहाँ पे दूसरा हो गया, फिर यहाँ देखिए अगला जो डॉक्यूमेंट है मर्ज डॉक्यूमेंट ये क्या हो गया तीसरा हो गया, तो हम लोगों को पहला देखना है कि इसमें से कौन सा होगा, तो पहला हम लोगों का यहाँ पे हो जाएगा मेन डॉक्यूमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, यू हैव सिलेक्टेड द कॉलम डी एंड ई देन चूज इंसर्ट कॉलम, आप डी और ई कॉलम सेलेक्ट करते हैं उसके बाद आप कॉलम इंसर्ट करते हैं, तो व्हाट विल हैपन, तब क्या होगा ये पूछा है। जब दो कॉलम इंसर्ट करेंगे तो हम लोग को देखिए दो नेक्स्ट जो कॉलम है वो आ जाएंगे, तो यहाँ देखिए टू कॉलम्स है पहला नंबर पे, तो दूसरा नंबर पे टू, तीसरा नंबर पे टू, थर्ड नंबर तो ऐसे भी आप काट दोगे नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए विल बी इंसर्टेड आफ्टर सी ये देखना है, अगर आप सिलेक्ट किए डी और ई तो जस्ट इसके बिफोर आएगा, तो वो जो कॉलम वहाँ इंसर्ट होगा वहाँ पे हो जाएगा क्या सी के बाद दो और कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है, जो भी दो कॉलम या रो सिलेक्ट करते हैं उसके पहले जो कॉलम होता है वो इंसर्ट होता है, तो टू कॉलम विल बी इंसर्टेड आफ्टर सी, सी के बाद इंसर्ट होगा और डी और ई के बाद इंसर्ट होगा, जैसे ही यहाँ पे इंसर्ट होगा तो D और E के जगह दूसरा अगर आ जा रहा है पहले, तो वहां पे देखिए D और E का नाम वहां पे क्या हो जाएगा F और G हो जाएगा, इस चीज को भी आपको यहाँ समझना पड़ेगा। चलिए हम आपको उसको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कैसे किया जाता है। चलिए यहाँ देखिए हम लोग एक्सेल पे आ गए हैं, D और E दो कॉलम को सिलेक्ट किए, इसके बाद राइट क्लिक करेंगे, इसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए डी और ई तो यहाँ पे अपना एक नया कॉलम सी के बाद एड हो गया, लेकिन ये देखिए एफ जी तक यहाँ बढ़ गया,
तो यही चीज क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, बोल रहा है इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो जो इनपुट नहीं होगा तो यानी आउटपुट पूछ रहा है, तो यहाँ पे प्लॉटर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वन रिमूव द पासवर्ड इनक्रिप्टेड ऑन एन एक्सेल फाइल। हम लोग पासवर्ड कैसे रिमूव कर सकते हैं एमएस फाइल में, एक्सेल के फाइल में। तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं आंसर। सबसे पहले हम लोग को पासवर्ड डालना पड़ेगा उसको ओपन करने के लिए। तो यहाँ आंसर हो जाएगा, इंटर द पासवर्ड, ओपन द वर्क बुक एंड देन डिलीट द पासवर्ड क्रिएटेड इन द परमिशन इनक्रिप्शन विद पासवर्ड बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन विच स्पेसिफाई द करेक्ट स्टेप टू ड्रॉ टेबल इन एमएस वर्ड 2016। बोल रहा है कि कौन सा स्टेप बाय स्टेप हम लोग काम करेंगे कि जो कि सही स्टेप होगा, यानी कि करेक्ट स्टेप होगा ड्रॉ करने के लिए एक टेबल को। तो इसका सबसे पहले हम लोग करेंगे इंसर्ट मेनू पे क्लिक, उसके बाद टेबल्स में जाएंगे, उसके बाद ड्रॉ टेबल्स पे क्लिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स विद द रेफरेंस टू ऑटो सेव इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के रिगार्डिंग ये पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है ऑटो सेव के खिलाफ ये फॉल्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर ऑप्शन ही देखिए, टेक्स्ट कैन नॉट बी डायरेक्टली इंटर इन द सेव। टेक्स्ट जो है डायरेक्टली सेव में इंसर्ट नहीं किया जाता है, सेव पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे तब जाके उसमें हम टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये कथन क्या है, गलत है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट है, यू हैव एन एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट एंड एन एमएस एक्सेल 2016 सीट ओपन, यू वांट टू ऐड अ स्क्रीनशॉट ऑफ द सीट इनटू अ डॉक्यूमेंट फॉर रेफरेंस, वेयर डू यू फाइंड द फंक्शनैलिटी। मतलब एमएस वर्ड में आपको एक एक्सेल का स्क्रीनशॉट इंसर्ट करना है तो आप इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले आप जाएंगे इंसर्ट मेनू में, इंसर्ट मेनू में जाके इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाएंगे, वहां से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद सिलेक्ट फ्रॉम अवेलेबल विंडो जहां चाहिए आपको वहां पे ले जाके उसको कर सकते हैं। इन पावर पॉइंट खाली कोमा द ट्रिगर ऑप्शन इज यूज्ड फॉर सेटिंग स्पेशल स्मार्ट स्टार्ट कंडीशन फॉर, यानी कि पावर पॉइंट में जो है ट्रिगर का जो ऑप्शन यूज किया जाता है सेटिंग स्पेशल स्टार्ट करने के लिए, वो कौन सा कंडीशन होता है। तो वो होता है एनिमेशन कंडीशन को ऐड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स खाली जगह फीचर्स इज रियल टाइम सेवर व्हेन इट कम्स टू एडजस्टिंग द साइज ऑफ द कॉलम्स एंड रोज टू मैच द साइज ऑफ द कॉन्टेंट। तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग ऑटो फिट, मतलब अपने अनुसार वो अपना जगह एडजस्ट कर ले तो उसे ऑटो फिट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्कुलर ग्राफ दैट शोज रिलेटिव कंट्रीब्यूशन दैट डिफरेंट कैटेगरीज कंट्रीब्यूट टू एन ओवरऑल टोटल इज कॉल्ड। ये जो ग्राफ होता है सर्कुलर, ये कंट्रीब्यूट करता है डिफरेंट कैटेगरीज को, तो उसे ओवरऑल जो कंट्रीब्यूशन होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है पाई चार्ट के अनुसार डिफाइन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू प्रोटेक्ट अ वर्कशीट यू कैन चूज प्रोटेक्शन दैट प्रोटेक्ट सीट फ्रॉम द खाली जगह मेनू। प्रोटेक्शन का जो यूज हम लोग होता है वो रिव्यू मेनू के अंतर्गत करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एम एस पावर पॉइंट 2016 द की कॉम्बिनेशन टू स्टार्टिंग अ स्लाइड, कौन से की कॉम्बिनेशन की सहायता से स्लाइड स्टार्ट करते हैं स्लाइड शो को फ्रॉम द करेंट स्लाइड। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, करेंट स्लाइड की बात की है, करेंट स्लाइड इंसर्ट करने के लिए हम लोग करते हैं शिफ्ट प्लस F5 का यूज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन यू स्टार्ट एमएस वर्ड इट, जब हम लोग एमएस वर्ड स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, जब भी स्टार्ट करते हैं तो एक बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट का एक ब्लैंक पेज खुलता है, तो ओपन्स अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू ऐड अ वाटर मार्क इन एम एस वर्ड 2016, जब आप वाटर मार्क इंसर्ट करते हैं एम एस वर्ड 2016 में, विच मेनू ऑप्शन वुड यू चूज, आप किस मेनू को चूज करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया, हम लोग वहाँ पे डिजाइन मेनू या टैब का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग टेक्नोलॉजीज यूज मैग्नेटिजेबल इंक टू रीड प्रिंटेड कैरेक्टर, तो हम लोग इसको यूज करते हैं मैग्नेटिकल का, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, कभी कभी एग्जाम में इसका शॉर्ट फॉर्म MICR दे देता है, अगर हिंदी में क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ माइकर लिखा रहता था, आप लोग कन्फ्यूजन नहीं करेंगे वहाँ पे। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्रेस अल्ट प्लस एम, जब आप अल्ट प्लस एम प्रेस करेंगे इन एम एस एक्सेल 2016 सीट में तो क्या होगा, उस समय आपका फॉर्मूला मेनू क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा,
इसका देखिए हो जाएगा आंसर नंबर एक, इट एक्टिवेट्स द फॉर्मूला मीनू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑब्जर्व द कंटेंट ऑफ द फ्लोइंग सेल्स। ये क्वेश्चन पिछले भी सेट में हो चुका है। ये पूछ रहा है सेल ए थ्री इज फॉर्मूला, सेल ए थ्री ए टू में फॉर्मूला है जो कि ए टू को फिक्स कर दिया गया, यानी कि ए थ्री को फिक्स कर दिया गया। यही फॉर्मूला को यहाँ जब बी थ्री में लगाएंगे तो ये देखिए क्रॉस मल्टीपल कर लेगा यहाँ पे। ये तो सेल फिक्स है तो यहाँ चार तीन है तो दोनों में गुना हो जाएगा, तो चार तीन 12 इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए लूप बैकअप आईपी एड्रेस बिगिन विद, लूप का जो आईपी एड्रेस का होता है ये क्या होता है, ए 127 इसका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ RJ45 केबल इज, RJ45 केबल का जो होता है फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है रजिस्टर्ड जैक 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। बोल रहा है इनमें से कौन सा कंप्यूटर का लैंग्वेज है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, उसके बारे में पूछा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है हमारा फोरटेन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह शॉर्टकट की टू डुप्लीकेट द करेंट स्लाइड, ये करेंट स्लाइड डुप्लीकेट करेगा कहाँ पे, पावर पॉइंट में, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल प्लस डी का यूज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन वन कैन, ये कहाँ होता है, इसे हम लोग करते हैं एड स्पेस और आफ्टर बोथ फॉर अ पैराग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर क्रिएटिंग अ बार चार्ट फ्रॉम सिलेक्टेड डाटा। बार चार्ट हम लोग किस सिलेक्टेड डाटा से करेंगे, उसका शॉर्टकट की क्या है, तो इसका शॉर्टकट की है F11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज एन एरोज दैट मूव द करेंट स्क्रीन विंडोज XP व्हेन यू मूव द माउस इज कॉल्ड, उसे माउस का क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पे भी साइन माउस का बना हुआ करेक्ट साइन का, तो ये क्या है, ये एक माउस पॉइंटर है यहाँ पे, इसलिए आंसर हो जाएगा यहाँ पे पॉइंटर। नेक्स्ट है, द रैम ऑफ लैपटॉप फॉर ऑफिस यूज इज लाइकली टू बी, बोला है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो रैम ऑफिस के यूज के लिए सही है, तो यहाँ देखिए 8 GB रैम सफिशियंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एक्सेल वर्क, एक्सेल 2016 वर्कबुक, यू वांट टू शो हाइड द रिबन, आप हाइड करना चाहते हैं या शो करना चाहते हैं रिबन को, विच शॉर्टकट की विल यू यूज, आप किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो आप करेंगे वहां पे कंट्रोल प्लस F1 का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा ऑफ स्टेटमेंट है जो कि गलत है, ये पूछा गया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर दो, USB-C पोर्ट्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर चार्जिंग अ लैपटॉप। USB-C पोर्ट्स का जरूरत नहीं, USB जो सी पोर्ट्स होता है ये मोबाइल जो आए हैं अभी नया जनरेशन का उसमें यूज होता है, ये लैपटॉप के लिए नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू सेव एंड ओपन वर्ड डॉक्यूमेंट विथ अ डिफरेंट फाइल, एक ही वर्ड का डॉक्यूमेंट से आप डिफरेंट फाइल नेम से सेव करना चाहते हैं, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज, तो उस ऑप्शन को बताइए जो कि सबसे उपयुक्त है, तो हम लोग फाइल मेनू में जाके सेवेज ऑप्शन पर यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कस्टमाइज द डिफिनेशन ऑफ स्लाइड लेआउट इन पावर पॉइंट वी यूज, कस्टमाइज डिफिनेशन बताना स्लाइड लेआउट के बारे में पावर पॉइंट में, तो हम लोग उसे क्या यूज करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया, हम लोग तभी स्लाइड मास्टर का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू इम्बेल्ड एन एक्सेल फाइल इन टू अ वर्ड, उस समय हम लोग जब इम्बेल्ड कर रहे हैं एक्सेल फाइल को वर्ड में, वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो उस समय हम लोग क्या यूज करेंगे, इसके बारे में यहाँ क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ दो ऑप्शन भी दिया हुआ है, ओपन द वर्ड डॉक्यूमेंट एंड सिलेक्ट मेनू, वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे और सिलेक्ट मेनू करेंगे, कौन सा सिलेक्ट मेनू करेंगे, हम लोग वहाँ पे इंसर्ट मेनू को सिलेक्ट करेंगे, तो देखिए इंसर्ट मेनू का ऑप्शन एक और दो, दो जगह है। नेक्स्ट ऑप्शन है, इन द टेक्स्ट ग्रुप, टेक्स्ट ग्रुप में क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो फॉर, ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे क्या चीज करने के लिए, ये पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे हम लोग जो भी चीज़ इंसर्ट करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंसर्ट एंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है, इन MS पावर वर्ड 2016 विच एमोंग द फ्लोइंग द शॉर्टकट की कॉपिंग, देखिए शॉर्टकट की पूछ रहा है MS वर्ड में कुछ ही कॉपी करना, तो क्या करेंगे हम लोग शॉर्टकट की का यूज, हम लोग जनरली करते हैं कंट्रोल सी का यूज, लेकिन देखिए ऑप्शन में कंट्रोल सी का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है और ना ही नन ऑफ दिस ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो इसका कोई ना कोई दूसरा फंक्शन होगा, तो आप देखिए यहाँ पे छांट सकते हैं
कंट्रोल भी से पेस्ट होता है, अल्ट प्लस सी का कोई फंक्शन नहीं है यूज है, कंट्रोल डब्ल्यू से विंडोज क्लोज होता है। तो बाकी बचा एक ये दो नंबर देखिए, कंट्रोल प्लस इंसर्ट का यूज करेंगे तो ये भी कॉपी का फंक्शन का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह इज अ ग्रुप ऑफ फाइल्स दैट इनेबल्स वन और मोर हार्डवेयर डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विथ द कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। बोल रहा है वो कौन सा फाइल का ग्रुप इनेबल करे जो कि हार्डवेयर डिवाइस को कम्युनिकेट करे कंप्यूटर्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो हम लोग वहाँ पे डिवाइस ड्राइवर का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मेथड टू एड अ कॉलम इन वर्कशीट। कौन सा करेक्ट मेथड है कॉलम को एड करने के लिए वर्कशीट में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद लेफ्ट ऑफ विच कॉलम हैज टू बी एडेड राइट क्लिक एंड इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इससे पहले भी आपको एक बार समझा चुका हूँ, जो सी और डी और ई को कॉलम सिलेक्ट किए थे जो सी के पहले आया था, सेम ही चीज है। नेक्स्ट है ट्राई डिफाइंस ब्रॉडबैंड एज, ट्राई जो है ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जी जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन होता है इसकी वो अथॉरिटी इसके पास है, ये सारी का निगरानी करने का अधिकार जिसे बोलते हैं वो इसके पास है। ए डाटा कनेक्शन यूजिंग एनी टेक्नोलॉजी दैट इज एबल टू सपोर्ट इंटरेक्टिव सर्विस इंक्लूडिंग इंटरनेट एक्सेस एंड सपोर्ट और मिनिमम डाउनलोड स्पीड, मतलब एक निर्धारण कर दिया गया है कि इससे कम आप लोगों का डाउनलोडिंग स्पीड नहीं रहेगा, ब्रॉडबैंड को ऐसा कहा है ट्राई ने। तो वो क्या है स्पीड की जो कि लिमिटेशन है ये 512 kbps से कम नहीं देगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला टू सब्सट्रैक्ट कॉन्टेंट सेल A2 फ्रॉम सेल A1। ये बोल रहा है घटाना है A2 से A1 को इन एक्सेल वर्कशीट, तो ये फॉर्मूला कौन सा होगा, ये फॉर्मूला देखिए इक्वल टू A1 माइनस A2 हो जाएगा। सम से जोड़ होता है सब, लेकिन यहाँ सब दिया हुआ मीन्स दिया हुआ है, मीन्स तो बीच का हो जाता तो ये नहीं होगा, और फॉर्मूला लगाने के लिए बराबर चाहिए जो कि 4 नंबर ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू कैन रीनेम अ वर्कशीट इन MS Excel 2016 एज विच ऑफ द फॉलोइंग। आप इसमें से किसमें से करेंगे, बाय डिफॉल्ट कोई भी सीट होता है तो वहाँ पे सीट देखिए वहाँ पे सीट वन नेम होता है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद राइट क्लिक करने के बाद उस पर आप सीट का नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन प्रेजेंटेड विथ लार्ज डाटा सेट इन एक्सेल, लार्ज डाटा सेल जो इन एक्सेल में है खाली जगह आर हेल्पफुल टू सॉर्ट एंड समराइज द इंफॉर्मेशन हैंड, तो हम लोग उस समय करेंगे लुकअप फंक्शन का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्स्ट वेब ब्राउजर, कौन सा फुल इसमें जो है नीचे दिया गया जो कि टेक्स्ट वेब ब्राउजर है, ये क्वेश्चन पूछा है, ये लिनक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लाइन स्पेसिंग ऑप्शन आर अवेलेबल इन MS Word 2016, कितने लाइन स्पेसिंग अवेलेबल होते हैं MS Word में, तो टोटल होते हैं 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोटेक्ट वर्क बुक ऑप्शन इन MS Excel अंडर मेनू, मतलब प्रोटेक्ट वर्क बुक जो करते हैं ये किस मेनू के ऑप्शन के अंतर्गत आता है, तो ये आता है रिव्यू के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन MS Word डॉक्यूमेंट व्हाट इफ आर वन कट्स और कॉपी इज सेव्ड टू द, कट और कॉपी करते हैं कहाँ सेव रहता है, ये होता है क्लिप बोर्ड में सेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मली नॉट अ पार्ट ऑफ CPU, वो लाइन में से कौन सा CPU का पार्ट नहीं होता है, पेन ड्राइव देखिए प्लग एंड प्ले होता है, ये CPU का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्प्रेडशीट कॉन्टेंट्स एनुअल सेल्स रिपोर्ट फॉर 100 प्रोडक्ट्स ऑफ कंपनी, एनुअल सेल्स रिपोर्ट है 100 प्रोडक्ट का किसी कंपनी का, फॉर ईच प्रोडक्ट देयर एग्जिस्टिंग स्प्रेड रो यू हैव हाईलाइट इन ग्रीन दोज अमाउंट इन सेल कॉलम विच आर हायर देन 1 लाख, यानी कि 1 लाख से ऊपर जो भी उसको आप ग्रीन कर देना चाहते हैं। विच ऑफ द फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल यू यूज, आप उस चीज को करने के लिए किसका यूज करेंगे। इससे पहले भी देखिए जो भी इस तरह का फंक्शन यूज किया जाता था तो वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूप में यूज किया जाता है, तो देखिए फर्स्ट नंबर में ही है आपका दिया हुआ यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड अप्लाई द रिक्वायरमेंट रूल एंड द डिजायर्ड फॉन्ट। चलिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।